जो लास्ट टर्म पर हम लोगों ने डिस्कस किया था मेटलर्जी, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स और नॉन मेटल्स चैप्टर में हम लोगों ने मेटल्स और नॉन मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, इनमें डिफरेंस क्या होता है, और इसके पश्चात इसमें बॉन्डिंग के बारे में, आयनिक बॉन्ड्स, आयनिक कंपाउंड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट कंपाउंड्स, इन सभी को बारी बारी से डिस्कस किया था। अब इसी के पश्चात लास्ट टर्म से हम लोगों ने मेटल्स और नॉन मेटल चैप्टर में डिस्कस किया था मेटलर्जी के बारे में। मेटलर्जी क्या होती है? मेटलर्जी मीन्स होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम रॉक्स। जो चट्टाने होती हैं इनमें मेटल्स होता है, तो जमीन के अंदर से, मिट्टी से, चट्टानों से मेटल्स को निकालने की जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस की स्टडी हम लोग करते हैं कि इसमें मेटलर्जी में, ठीक है ना। तो मेटलर्जी में लास्ट टर्म पर हम लोगों ने डिस्कस किया था व्हाट इज मिनरल्स, मिनरल्स क्या है, व्हाट इज मिनरल्स, व्हाट इज ओर, ठीक है ना, ओर क्या होते हैं, तो मिनरल्स को डिस्क्राइब किया, ओर्स को डिस्क्राइब किया था, ठीक है ना। और इसमें जो मैट्रिक्स या गैंग किसे कहते हैं, मैट्रिक्स या गैंग मतलब कि इसमें जो इम्प्योरिटीज होती है, अशुद्धियाँ होती हैं रॉक्स में, मेटल्स के साथ में, उन सभी को हम मैट्रिक्स या गैंग कहते हैं, जो इम्प्योरिटीज होती है, ठीक है। तो इम्प्योरिटीज या अशुद्धियों को मैट्रिक्स या गैंग कहा जाता है। अब उसमें कुछ टर्म और हम लोग डिस्कस करते हैं आज, जैसे एक ये फ्लक्स है, ठीक है, यहाँ पर फ्लक्स, तो ये फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स वो केमिकल होती हैं जिससे कि हम मिलाने पर जो मेटल्स होते हैं, इम्प्योर मेटल्स होते हैं, उनसे इम्प्योरिटीज को हटाने के लिए और उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है उसको कम करने के लिए, इम्प्योरिटीज को हटाने के लिए जो केमिकल इस्तेमाल करते हैं उसको हम फ्लक्स कहते हैं। और ये फ्लक्स दो प्रकार के होते हैं, एसिडिक और बेसिक। अगर जो इम्प्योरिटीज एसिड वाली होती है तो उसमें हम बेस फ्लक्स का इस्तेमाल करते हैं, और अगर इम्प्योरिटीज बेस वाली होती हैं तो हम फ्लक्स का, एसिड वाला फ्लक्स इस्तेमाल करते हैं। तो ये फ्लक्स दो प्रकार का होता है, एसिडिक और बेसिक, और कौन सा मिलाएंगे ये इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि इम्प्योरिटीज किस प्रकार की है। अगर इम्प्योरिटी जो होती है वो एसिड वाली होती है तो हम बेसिक फ्लक्स का इस्तेमाल करते हैं, और बेस वाली इम्प्योरिटीज होती है तो एसिड फ्लक्स का इस्तेमाल करते हैं, अपोजिट का, कि वो एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और सॉल्ट बना लेंगे और सेपरेट हो जाएंगे, तो इस प्रोसेस को हम अप्लाई करते हैं। इसके बाद इसमें स्लैग होता है, तो स्लैग क्या होता है, फ्लक्स और इम्प्योरिटीज, जो मेटल्स में इम्प्योरिटीज मिली हुई हैं तो इम्प्योरिटीज और फ्लक्स की आपस में रिएक्शन से जो सब्सटेंस बनता है, जो पदार्थ बनता है उसे हम स्लैग कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, स्लैग कहते हैं। तो स्लैग क्या होता है, स्लैग सब्सटेंस कैसा होता है, वो पदार्थ स्लैग तब बनता है जबकि फ्लक्स की और इम्प्योरिटीज की आपस में रिएक्शन होती है तो फ्लक्स का निर्माण होता है, ठीक है ना, ये स्लैग का। तो फ्लक्स इम्प्योरिटीज को हटाने के लिए मिलाया जाता है और इम्प्योरिटीज और फ्लक्स की रिएक्शन होती है तो जो चीज बनती है उसे हम स्लैग कहते हैं। तो ये फ्लक्स क्या होता है और स्लैग क्या होता है। अब इसके बाद यहाँ पर ये चार पॉइंट लिखे हैं जो कि हम मेटलर्जी में इस्तेमाल करते हैं, मेटलर्जी में जो जो चीजें इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नंबर वन है क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ द ओर। तो ओर के बारे में बता दिया था लास्ट टर्म पर कि मिनरल्स क्या होता है, ओर क्या होता है, तो ओर को क्या करते हैं, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, क्रशिंग उसको तोड़ते हैं, है ना,
डायनामाइट लगा करके या कोई मशीन के द्वारा पत्थरों को हम बहुत तोड़ते क्रश करते हैं, और क्रशिंग करने के बाद उसकी ग्राइंडिंग करते हैं, पीसते हैं। किससे पीसते हैं? बॉल मिल्स में पीसते हैं, पत्थर के बड़े बड़े टुकड़ों को बिल्कुल इसको पाउडर के रूप में चेंज कर देते हैं। तो इसको पहले क्रशिंग किया जाता है, फिर ग्राइंडिंग, उसको पीसा जाता है, ठीक है ना, और पीसने के पश्चात इसको पाउडर बना लिया जाता है, और तब आगे की प्रोसेस करते हैं। तो सबसे पहले हम जिस रॉक्स में मेटल्स होता है उसको हम टेस्टिंग कर लेते हैं, और फिर उसके बाद टेस्टिंग करने के बाद पता चलता है कि इसमें ये मेटल्स हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, क्रशिंग करते हैं, क्रश करने के बाद ग्राइंडिंग करते हैं, पाउडर बना लेते हैं, और पाउडर बनाने के बाद फिर क्या करते हैं, सेकेंड स्टेप कंसंट्रेशन ऑफ द ओर या इनरिचमेंट ऑफ द ओर। तो कंसंट्रेशन ये केमिकल और फिजिकल दोनों प्रोसेस के द्वारा किया जाता है। कंसंट्रेशन में क्या किया जाता है कि जो इम्प्योरिटी फिजिकली केमिकली नहीं फिजिकली हटाई जा सकती है और तो उसको हटा देते हैं। इसमें केमिकल रिएक्शन भी कुछ में कराते हैं। तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर में क्या करते हैं कि इम्प्योरिटीज को मेटल से हटाया जाता है, ठीक है ना। तो कंसंट्रेशन की कई प्रोसेस होती है, जैसे कि इसमें फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, मैग्नेट प्रोसेस कई होती है। अलग अलग प्रकार के जो ओर्स होते हैं उनमें जो इम्प्योरिटीज अलग अलग होती है, उसी के अकॉर्डिंग कंसंट्रेशन की प्रोसेस भी हम अलग अलग प्रकार की करते हैं, ठीक है ना। तो कंसंट्रेशन करते हैं, कंसंट्रेशन ये आपको पॉइंट याद रखने होंगे, कंसंट्रेशन आपको तो क्रशिंग और ग्राइंडिंग के बाद कंसंट्रेशन करते हैं। कंसंट्रेशन की कई प्रोसेस होती हैं, अलग अलग प्रकार की ओर में अलग अलग प्रकार की इम्प्योरिटीज होने के पर हम जो कंसंट्रेशन के मेथड होते हैं वो अलग अलग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तीसरा है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम द कंसंट्रेशन कंसंट्रेटेड ओर, है ना। तीसरा है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम द कंसंट्रेटेड ओर। तो जो हमने कंसंट्रेशन के फर्स्ट ओर निकाला है ये कंसंट्रेशन, तो उससे कंसंट्रेटेड ओर से हम मेटल्स को निकालेंगे। तो कंसंट्रेशन ओर से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, अलग करने के लिए हम कई प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, स्मेल्टिंग करते हैं, ठीक है ना। ये जैसे कि कंसंट्रेशन की कई प्रोसेस होती हैं, जैसे मैंने बताया मैग्नेट प्रोसेस, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, वैसे ही एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर। तो कंसंट्रेशन पहले कर लिया था, कंसंट्रेटेड ओर से मेटल्स निकालने के लिए क्या करते हैं, कैल्सिनेशन भी करते हैं, रोस्टिंग करते हैं, स्मेल्टिंग करते हैं। तो ये प्रोसेस होती हैं जिसमें कि हम कंसंट्रेटेड ओर से मेटल्स को बाहर निकालते हैं, ठीक है ना। तो तीसरी प्रोसेस होती है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर, और चौथी प्रोसेस रिफाइनिंग या प्योरिफिकेशन ऑफ द इम्प्योर मेटल। तो जब लास्ट में हमको मेटल मिल जाता है उसमें थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज और रह जाती है, तो उस इम्प्योरिटीज और हटाने के लिए उसकी हम रिफाइनिंग या प्योरिफिकेशन करते हैं, उसको और थोड़ा सा रिफाइन करते हैं या प्योरीफाई करते हैं, जिसके फलस्वरूप हमें ये प्योर मेटल मिल जाती है। तो इस प्रकार से मेटलर्जी में हम ये चार स्टेप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ द ओर, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ द ओर, दूसरा है कंसंट्रेशन ऑफ द ओर या इनरिचमेंट ऑफ द ओर, तीसरा है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम द कंसंट्रेटेड ओर, चौथा है रिफाइनिंग या प्योरिफिकेशन ऑफ इम्प्योर मेटल्स, ठीक है ना। ये चार स्टेप। अब इन चारों स्टेप को अलग 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 टर्न पर एक एक स्टेप को डिस्कस किया जाए, ठीक है ना। एक टर्न पर क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग और कंसंट्रेटेड ओर को डिस्कस करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट टर्न पर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम द कंसंट्रेटेड ओर, फिर रिफाइनिंग, क्योंकि इसके अलग अलग मेथड हैं, उन अलग अलग मेथड को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो
तो मेटलर्जी में हम लोगों ने डिस्कस किया व्हाट इज मिनरल्स, व्हाट इज ओर, ठीक है ना, और इसके पश्चात कि मिनरल्स क्या होते हैं, ओर से क्या होते हैं, और इसके पश्चात डिस्कस किया व्हाट इज फ्लस्क, व्हाट इज स्लैग, ठीक है ना, और मैट्रिक्स या गैंग, व्हाट इज मैट्रिक्स या गैंग। तो ये पांच टर्म्स आपको याद रखने, व्हाट इज मिनरल्स, व्हाट इज ओर, व्हाट इज मैट्रिक्स और गैंग, फोर्थ है व्हाट इज फ्लस्क एंड व्हाट इज स्लैग। ये फाइव टर्म्स हैं, मिनरल, ओर, मैट्रिक्स या गैंग और फ्लस्क और स्लैग। ये फाइव टर्म्स हैं जिनको बारे में आपको याद रखना है, तो इनको डिस्कस किया। इसके बाद ये चार स्टेप प्रोसेस हैं, इनको भी याद रखना है, और इनमें एक एक प्रोसेस को एक एक टर्म्स पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये प्रोसेस कौन कौन सी होती है। तो क्रशिंग और ग्राइंडिंग तो मेन नहीं है, तो वो क्रशिंग मैंने बताया था, तोड़ा जाता है, पीसा जाता है। मेन प्रोसेस हम लोग स्टार्ट करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ द ओर या इनरिचमेंट ऑफ द ओर, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो ये नेक्स्ट, इसका जो मैंने पॉइंट बताए हैं इनको अपनी फेयर कॉपी में नोट कर लेंगे, ठीक है ना, ताकि स्टेप बाय स्टेप अपना काम पूरा करते चलें, और नेक्स्ट टर्न पर इसी के आगे हम लोग नेक्स्ट स्टेप को स्टडी करेंगे। थैंक यू।